बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होने नहीं होने से राजद को कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उनका मामला है। उनसे जब पूछा गया कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि 1995 में उन लोगों ने 12 मंत्रियों से राज का शासन चला लिया था, इस पर उन्होंने कहा कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ था और मंत्रियों के विभाग भी बैठे थे, आपके यहाँ तो मंत्री के विभाग तक नहीं बटे हैं। ईडी के लगातार नेताओं को मिल रहे संबंध पर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि एजेंसी का सम्मान नहीं है, यह केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह का सम्मान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हमारे साथ थे तो यहाँ समरसता से भी सरकार चल रही थी, लेकिन जब उनको अब लगा तो वहाँ गए हैं, तब उनको तय करना है कि वहाँ क्या हो रहा है। बहुत कम मंत्रियों में ही पूरा सरकार चला। राष्ट्रीय जनता दल किसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्यों घबराहट में रहेगी? ये विषय उनका है, एनडीए का मामला है। 95 की चर्चा कर तो 95 में जो 22 मिनिस्टर थे सबके विभाग बटे हुए थे और सब विभाग में काम कर रहे थे। जो लोग 95 की चर्चा कर रहे थे उससे तोतर भी नहीं टूटा होगा बढ़िया से, सुने होंगे किसी से, बात अलग है क्योंकि उनके घर में राजनीति में एक थे पिता जो दबर नेता ही थे, इससे कौन इनकार कर सकता, हमारे दल में थे, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं हमारे दल में, सब लोग उनका सम्मान हम लोग किया है। एक बात तो स्पष्ट है ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे राजद को क्या लेना देना। राष्ट्रीय जनता दल अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुद्ध अंतःकरण से करना जानता है और हमने बिहार हित में, युवा हित में, देश हित में, लोकतंत्र के हित में जो लकीरें खींची है, हम लोग कभी भी अपने नीतियों से अलग कोई रास्ता नहीं लिया। आखिर 5 दिन हो गए, आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या? ये तो आप ही लोग पत्रकार साथी इस बात के गवाह होंगे, 2005 के बाद ये पहला ऐसा मौका आया है कि कुछ विलंब हो रहा है। वो विलंब हो रहा है उनका आंतरिक मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री के सेहत पर कई बार सवाल खड़ा किया और कई बार दबाव बनाया है और दबाव तो बनाते ही रहेगा, भाजपा है तो दबाव तो बनाएगा ही। ये जहाँ शालीनता समरसता से काम किया जा रहा था, सजनता थी, शालीनता थी, समरसता था और आदर था, उस माहौल में काम करने वाले मुख्यमंत्री जी को अगर कोई अलग संस्कृति के प्रतिमूर्ति के रूप में लेफ्ट राइट मिलेगा तो असहजता तो स्वाभाविक है ना। देश में ईडी का क्या जी, तो भाजपा सीधे भाजपा का नोटिस कही है, ये नोटिस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी की नोटिस है। आज एक नवगठित प्रकोष्ठ है सीबीआई, ईडी और आईटी, जो गैर भाजपा शासित राज्यों में उन दलों के खिलाफ वो काम करती है, जहाँ जहाँ से गुजरेगी सब लोग वहाँ वहाँ उनका काम शुरू होता है, लेकिन सफलताएँ नहीं मिलेगी। देश कई तानाशाह को देखा, झेला है और माकूल जवाब भी दिया है, ये तो बहुत दिन तक टिकने वाले तानाशाह नहीं, हिटलर न रहा तो ही क्या रहे।